जय हिंद साथियों, मैं वैभव सिंह, आपके अपने YouTube चैनल श्री सिद्धि विनायक डिफेंस फिजिकल एकेडमी। साथियों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपका रहना खाना हॉस्टल की व्यवस्था कैसी है और साथ साथ में फिजिकल कैसे करवाते हैं और रिटर्न कैसे करवाते हैं। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को लाइव दिखाना चाहता हूँ, चलिए। हमारी एकेडमी है, बहुत से लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि आपकी एकेडमी किस जगह पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौशाम्बी कहाँ पे है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये प्रयागराज से 25 से 30 किलोमीटर हाईवे पे पड़ती है एकेडमी अपनी, और ये भरवारी कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। भरवारी में ये एकेडमी हमारी है, श्री सिद्धि विनायक डिफेंस फिजिकल कैरियर एकेडमी। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं उन बच्चों के लिए जिनके सपने हैं कि वो आर्मी में, एयरफोर्स में, रेलवे में, एसएससी जीडी में जाकर के अपने और अपने घर का सपना पूरा करें। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहां रहने की क्या व्यवस्था है, रहने के साथ साथ यहां पर रिटर्न की जो व्यवस्था है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं आज आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए, उसके बाद आप किस तरह से आपका फैसला करेगा। आइए तो साथियों, आप लाइव देख रहे हैं सिद्धि विनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी को। यहाँ पर उन हॉस्टल के छात्रों को रहने की सुविधा है जो अपने सपना पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पर सिद्धि विनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी में आए हैं। तो ये हमारे उन सभी छात्रों के लिए है जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ये उनकी हॉस्टल सुविधा है। यहाँ पर ये उनका डाइनिंग टेबल है, ये यहाँ पर लोग लंच करते हैं अपना, और उसके बाद ये आपका जो सामने दिख रहा है यहाँ पर उनके लिए बेड की व्यवस्था है, मैट बेड और ये लॉकर की व्यवस्था है उनके लिए। तो दोस्तों, ये हमारा फिजिकल के छात्रों का रहने के लिए जो बनाया गया है, तो ये उनकी व्यवस्था है। देखिए आप यहाँ पर, वो सारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर फैन की भी सुविधाएं देख लीजिए आप लोग, फैन लाइट 24 घंटे यहाँ पर ये सुविधाएं आपको उपलब्ध रहती है सिद्धि विनायक डिफेंस फिजिकल कैरियर एकेडमी में। इसके साथ ही साथ अभी ये सारे सिद्धि विनायक डिफेंस कैरियर एकेडमी मात्र एक ऐसी भारत की एकेडमी है जो उसी चार्ज में आपको फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी करवाती है। तो मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हॉस्टल के छात्र रहते हैं उनको कहीं टिफिन पैक होकर के नहीं आती, उनकी खाना उनके जस्ट सामने, उनकी आंखों के सामने बनता है और यहीं पर उनको खाना दिया जाता है। और ये हमारे खाना बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं, ये काफी दिन से यहाँ पर हैं और इससे पहले भी काफी जगहों पर इन्होंने इस खाने का जो कुकिंग का काम किया है, काफी अच्छा खाना बनाते हैं। जब आप लोग एक बार यहाँ पर आओगे तो आप खुद ही इनके खाने का टेस्ट लेकर फिर हमें बताएंगे, ठीक है। तो साथियों, ये यहाँ हमारा मेस है, ये कैंटीन है हमारी, यहाँ पर जो खाना बनता है हॉस्टल के छात्रों के लिए वो यहाँ से बन करके और यहाँ उनके सामने ही उनको दिया जाता है। आज क्या बन रहा है बाबा खाने में? आज बन रहा है दाल चावल और चोखा। अच्छा, रोटी। अच्छा, लड़कों को अच्छा लगता है? लड़कों को बेस्ट लगता है। और क्या बनता है? यहाँ पनीर बने, कड़ी अंडा बने, छोला बने। साथियों, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर फिजिकल और रिटर्न के साथ साथ बहुत से आर्मी के जवानों को जो तैयारी करते हैं यहाँ पर, उनके चेस्ट में प्रॉब्लम होता है, चेस्ट कम आते हैं, काफी वो हो जाते हैं, तो यहाँ पर उनके ये जिम के भी हम लोग सामान रखे हैं ताकि उससे अपनी वो तैयारी कर सके, ताकि वो किसी भी तरह से अनफिट होकर यहाँ से न जाए। देखिए देखिए, वो सभी छात्रों के लिए है यहाँ पर हॉस्टल के, जो यहाँ पर रहकर के तैयारी करते हैं, ये जिम के कुछ पार्ट है, कुछ सामान है आपको, और उसके साथ ही यहाँ पर संडे के दिन हम लोग उनको क्रिकेट खिलवाते हैं ताकि बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो बोर ना महसूस हो और हर तरह से वो अपने आप को मेंटली फिटनेस, मेंटली भी रहेंगे, फिटनेस और स्पोर्ट तो कर ही रहे, तो काफी अच्छा प्रोसेस होगा हम लोगों का। यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, रहना खाना कैसा लग रहा है आपको?
मैथ की टीचर आपको कितने घंटे क्लास देती है? और इसने जीके जीएस की जो टीचर है वो कैसे पढ़ाते हैं आपको? जोर से बोलिए, कैसे पढ़ाते हैं आपको? जो क्लास जो आपको यहाँ पे रिवीजन और कमाई आती है उसके टेस्ट एग्जाम होते हैं यहाँ पर? आप लोग देते हो टेस्ट एग्जाम? आपको लग रहा है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं आप अपने जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो गए? अच्छा, इसमें जो हॉस्टल के या नहीं भी हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनकी टाइमिंग परफेक्ट हो गई अभी? यस सर। और टाइमिंग के साथ साथ आप लोगों का क्लास कैसे चल रहा है? बढ़िया सर। ओके, और ये उनके टॉयलेट हैं यहाँ पर, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है। और साथियों एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ छात्राओं के लिए भी हॉस्टल में अलग सुविधा है। जो छात्राएं यहाँ एकेडमी में रह करके तैयारी करते हैं उनको रहने की सुविधा ये मैं आपको दिखाऊंगा। इसके जैसे ऊपर चढ़े के आपको सेकेंड फ्लोर पे मिलेगा, ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे आपको चलता मिलेगा। इसी में आप लोगों को भी मैं बता रहा था, बोल रहा था कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनकी रहने की व्यवस्था उन हॉस्टल के छात्रों से अलग है। उनकी यहाँ पर व्यवस्था है रहने के लिए, जो छात्राएं नीचे पढ़ रही है एकेडमी की वो यहाँ पर आकर अपनी रहना रहने की व्यवस्था उनको यहाँ पर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे स्टाफ रूम भी है, जहाँ पे यहाँ से बैठ करके सब यहाँ पे जो भी है निगरानी रखते हैं छात्र छात्राओं के ऊपर, और यहाँ भी टॉयलेट की व्यवस्था है। और साथ ही मैं आपको एक और विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा था कि स्पेशल बैच हमारा चलता है, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रिंसिपल की तैयारी करके जो वहां से दौड़ रैली में निकाल के आते हैं उनकी तैयारियां अलग से होती हैं, उनके रहने की जो व्यवस्था है ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ, उनके रहने की व्यवस्था अलग होती है क्योंकि उनको स्पेशल क्लास दिया जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये उन छात्रों के लिए हमारे रूम है जहां पर हम उनको रखेंगे और रखते हैं यहाँ पर अपने छात्रों को जो जिनका मेडिकल और फिजिकल दोनों फिट हो जाता है। ये सारे रूम में हम 5 से 6 बच्चे रखते हैं और ये उनके लिए कपड़े धोने के लिए सारी व्यवस्था है उनके पास, ताकि उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना महसूस हो। ये उन सभी छात्रों के लिए है जो यहाँ पर रिटर्न की तैयारी करने आएंगे। उन छात्रों के लिए यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था है, यहाँ पर ये टॉयलेट है उनका, ये हैंड वॉश है, ये आपका गेस्ट रूम है आपके, जैसे कोई भी आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आते हैं। इस अकेडमी की एक और खासियत है कि जिनके भी बच्चे यहाँ पर हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो जब वो वहां से आते हैं तो उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, उसके बाद फिर उनके पेरेंट्स को उनका नाम पूछकर उनके बच्चों को उनके पास बुलाते हैं, क्योंकि अकेडमी में सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पे सिक्योरिटी की किसी भी तरह से लापरवाही नहीं की जाती है। और एक मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए, ये वो छात्रों के लिए बाहर बैठने की सुविधाएं हैं। और एक विशेष जानकारी मैं आप दूंगा कि ये देखिए, सामने आपको रेलवे ट्रैक दिखता है, रेलवे ट्रैक के जस्ट सामने आपके ये एकेडमी है और ये आगे हाईवे है, हाईवे से जुड़ा हुआ, रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ ये श्री सिद्ध विनायक डिफेंस फिजिकल कैरियर एकेडमी भरवारी कौशाम्बी में है, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद से मात्र 30 मिनट का सफर है यहाँ पर आने के लिए श्री सिद्ध विनायक डिफेंस फिजिकल कैरियर एकेडमी। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे कोच सर हैं आशीष मिश्रा जी,
स्पोर्ट्स से कई गोल्ड मेडलिस्ट जीते हैं। तो साथियों गोल्ड मेडलिस्ट देखिए ब्लैक बेल्ट 5 टन का ही है। तो साथियों मैं आज आप लोग को आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगी हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल SSBDCA ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि अन्य बच्चों के पास पहुंच सके और उनका भविष्य उज्जवल हो। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता और बड़े गुरुजनों का आदर सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।